वाल्मीक, बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से, और ये मेरा समुदाय ग्राम बटियागढ़। ग्राम बटियागढ़ में वार्ड नंबर टोटल 19 है। इन्हीं वार्ड नंबर में से वार्ड नंबर 5 में रहने वाली बैजंती प्रजापति और उनके पति दामोदर प्रजापति एक बीपीएल परिवार से हैं, जो कि बहुत ही गरीब हैं और आवास योजना के लाभ लेने से वंचित हैं, और जो जिनके पास आवास नहीं है, मकान नहीं है, इस समस्या से पीड़ित हैं कि उनके पास जो रोजगार है वो उनके मिट्टी के बर्तन बनाने का है और उन्हीं को बेच के वो अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। जिनके पास ऐसे कच्चे टूटे फूटे से मकान है रहने के लिए कि बाहर से रोशनी जो आसमान की है अलग दिखती है अंदर, क्योंकि उनके घरों पे खप्पर, छप्पर, लकड़ी ऐसे कुछ भी मजबूत सामान नहीं है जिससे कि एक मकान बन सके। जो कुछ पूंजी बचती है उससे थोड़ा बहुत सहारा होता है, पर मकान नहीं बना सकते। देखो हमारे ये खपरा नंजा है, कुरंजा नंजा, अब हम यहाँ से मेरे यार हम का करें बताओ। अब ये सुन नहीं रहे यार, उनसे कहो के दो तीन देर होगा गए सो हमारा जो कछु हमें मदद करो तो वे करा ही नहीं रहे यार। खपरा पारा सो अपना पेट पाले के हम खपरा छामे वही मजदूरी करके बेच दे, तब का करे अपना पेट पाल रहे हैं। अब खप कोरवा टूटे धरे है कछु न जाऊ में, पानी गिरा से पूरा भर जात। और इन लोगों के 2002 और 2003 की आवासीय सूची में नाम भी हैं, और इन लोगों ने प्रस्ताव भी डलवाया है ग्राम सभा में जाके 26 जनवरी 2013 में, जिसके बाद भी आज 2015 में जो 26 जनवरी फिर से आने वाली है, इन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला। जबकि इंदिरा गांधी आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना कई सालों से चल रही है, और आज जो गरीब और पात्र परिवार हैं वही इससे वंचित हैं। आपके समाज के कितने घर हैं यहाँ पे? 15 घर। उन लोगों को आवास योजना मिली किसी को? कोहो नहीं मिली, हमारा कोहो नहीं मिली, सबके कच्चे कच्चे मकान है, हमारा के कुमारों के कोहो नहीं मिली। बैजंती और दामोदर ही नहीं बल्कि ऐसे 17 लोग और थे जिन्होंने आवास सूची में नाम होते हुए अपने आवेदन दिए और उन्हें आज तक आवास का लाभ नहीं मिला, जो पिछड़ा वर्ग से भी हैं और कुछ एससी समाज से भी हैं। और एससी और पिछड़ा वर्ग ही क्यों, ये तो गरीब का हक है जो उन्हें मिलना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। ने भूखिया ने प्यासिया, तुम तो जहाँ कहो हम जहाँ चल रहे। अब तो हमें ये सो लग रहा है दीदी कि हम कहाँ मर जावे, चाटा जबाल बच्चे हम कहा करें बताओ। अभी आप कैसे मकान में रह रहे हैं? देखो आप रिकॉर्डिंग कर लो, निकवार यहाँ मैं घर में कुत्ता भी नहीं है, परेशान कर रहे। तो आप लोग काम क्या करते हैं? बिड़ी पास्ता बनाते हैं, बर्तन आए तो पर जा पाते मगर बर्तन भी नहीं बनते बनाता। सब जने इकट्ठे है, परिवार है, न घर है, हमारे पापा सास ससुर के, वही में हम भी रह रहे, छोटी सी कुठलिया में काट रहे समय। अब आप क्या चाहते हैं जो मकान के लिए योजनाएं चल रही है? कोई योजना चल रही तो हमें तो मकान की लाना कुटी चाहिए, जो कि हम अपने व्यवस्थित हो जाए, परेशानी तो नहीं आ रही। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि 2013 जो 26 जनवरी पिछले साल पड़ी थी, मैंने इन महिलाओं का सभी का प्रस्ताव जो है ग्राम सभा में लगवाया था, और मैं सोच रही थी कि हो सकता है ये काम हो जाएगा, क्योंकि प्रस्ताव जिनका हो जाता है उनकी कोई भी मांग हो पंचायत से वो पूरी की जाती है, जो कि योजना में लागू हो। मेरी आप सभी देखने वालों श्रोताओं से अपील है कि आप भी फोन कर अपना दबाव बनाएं और मेरी और मेरे समुदाय की मदद करें बदलाव के लिए, जो हमारे ब्लॉक बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी हैं, वो हैं श्रीमती रानू जैन जी, जिनका फोन नंबर है 98 27 26 92 05। मेरी आप सबसे अपील है फोन कर अपना दबाव बनाएं और बदलाव की कोशिश करें। मैं आरती वाल्मीक, बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ट के लिए।